सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल के ऊपर उनकी जेठानी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि सपना ने उनके हस्बैंड को उनसे छीन लिया है, या ये कहे कि सपना का अफेयर उनसे उनके हस्बैंड से चल रहा है। बाद में उन्होंने कहा था कि सपना मौत की जिम्मेदार है अपने दोनों पति राजीव जी और सूरज जी के, जिस पर सपना ने रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बनाई थी और उन कस के रिप्लाई दिया था अपनी जेठानी को। इसके बाद जो जेठानी है उन्होंने किसी की लाइव में आके स्टेटमेंट दिया कि कौन सी FIR है, कैसी FIR, मुझ पर कोई FIR नहीं हुई, ना ही मेरे पास कोई FIR आई है। इस पर अब सपना चौधरी की एक वीडियो आई है जिसमें वो अपने ससुर के साथ में FIR करने के लिए जा रही हैं किसी स्टेशन, साथ में पुलिस स्टेशन की भी वीडियो शेयर की जहां पे पुलिस वाले उनको आश्वासन दे रहे थे कि वो इस मैटर में देखेंगे और अब इस मैटर में केस चलेगा, यानी कि FIR दर्ज हो चुकी है और सपना की तरफ से वकील भी आ चुका है। इतना ही नहीं, सपना के ससुर जी का भी बयान आया है। उन्होंने बताया कि जो यूट्यूबर ये मिलकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत गंदा है, जिस हिसाब से उनकी जो बहू है उस पर इल्ज़ाम लगाया है उससे उनके ससुराल वाले बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी भी है और गुस्से में भी है। उनका कहना यह है कि हम दो दो बेटे खो चुके हैं और इसके बाद लोग हमें इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं जैसे कि हमने ही अपने बेटों को मार दिया हो। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो यूट्यूबर इन सब बातों को बढ़ावा दे रही है, FIR दर्ज करने की धमकी दे रही थी, वो यूट्यूबर जो है सपना चौधरी के घर गई थी, उनके घर में जाकर वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके ससुर ने उनको घर के अंदर नहीं जाने दिया और बाहर से ही उनको विदाई दे दी, जिसकी वजह से उनकी जो प्लानिंग थी वो ख़त्म हो गई और अब वो इस चीज़ का बदला सपना की फैमिली से ले रही है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि सपना आप स्ट्रॉन्ग रहो और आपने जो फैसला किया है वो बहुत सही है, ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही जवाब होना चाहिए।